हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लेट्स नर्चर आर माइंड्स। आज मैं आपके साथ 6 ऐसे स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूंगी जो वेट लॉस में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है पॉपकॉर्न। ये आप मसाले वाले भी बना सकते हैं और प्लेन भी बना सकते हैं। पॉपकॉर्न का जो दाना है वो मार्केट में मिलता है, आपको पॉपकॉर्न बोल के ही लेना है, दूसरा आटे वाला नहीं लेना, जिससे आटा बनता है वो नहीं लेना है। एक भारी पैंदे के बर्तन में 1 चम्मच आप ऑयल डालें या घी या बटर जो डालना चाहें, और उसमें 1 टेबल स्पून पॉपकॉर्न के जो सीड्स हैं वो छोड़ दें। लगातार हिलाते रहें, कुछ देर में उनका कलर चेंज हो जाएगा और वो फूलना शुरू होंगे, चटकना शुरू होंगे, तब उसको आप ढक दें। और ढकने के बाद आप देखेंगे कि कुछ ही देर में वो एकदम से बहुत अच्छे खिले खिले से पॉपकॉर्न आपके बन के तैयार हो गए। आप प्लेन खाना चाहें या सॉल्टेड, वो आप बना सकते हैं। दूसरा हमने बनाया मसाले वाला, इसमें आप उसी तरीके से 1 चम्मच तेल लेना है, उसमें आपने सारे मसाले डालने हैं, जैसे काली मिर्च, लाल मिर्च और काला नमक सब डाल के, और हिलाते रहें। जब चटकने लगे तो उसको कवर कर दें। ध्यान रखें कि कवर आप एक साइड से खुला छोड़ें, नहीं तो उसमें पसीना आएगा और वो सौगी हो जाएंगे। तो ये आपके पॉपकॉर्न दूसरे भी बन गए। अब चलिए नमकीन बनाते हैं। इसमें मैंने लिया है पफ्ड राइस लिया है, मैंने साथ में लिया है लोटस सीड्स, मोटा वाला साबुदाना लिया है, मखाना जिसको बोलते हैं वो भी लिया है, और पीनट्स लिए हैं, आलमंड, ड्राई कोकोनट लिया है। उसका मसाला बनाने के लिए भी मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, जैसे लिया है मैंने अमचूर पाउडर, काला नमक, थोड़ी सी पिसी हुई चीनी और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च भी ली है। तो इन सब चीज़ों को, जो ड्राई चीज़ें हैं उनको मैंने डीप फ्राई कर लिया है थोड़ा सा तेल लेके, और लाइट लो फ्लेम पर उनको मैंने सेका है। और जब ये साबुदाना डालेंगे तो फ्लेम हाई रखनी है। साबुदाना डालने के बाद उसको कंटिन्यूसली आप हिलाते रहें, चलाते रहें, और ये थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर तक ये चटक चटक के फूलता रहेगा, उसके बाद ये ब्राउन होना शुरू होगा, तब आप निकाल लें। कढ़ाई का सारा तेल भी निकाल दें और खाली कढ़ाई में आप लोटस सीड यानी कि मखाना को भी भून लें। हाथ से तोड़ के देखें, जब क्रिस्पी हो जाए उतनी देर आपने भूनना है। सारी चीज़ों को एक मिक्सिंग बाउल में इकट्ठा करें। राइस जो है वो पफ्ड राइस, इसको भी मैंने पहले ड्राई रोस्ट किया हुआ है, तो वो भी डाला। और सारा ये जो मसाला मैंने बनाया है, अमचूर पाउडर, मीठा और नमकीन, ये खट्टा मीठा बहुत टेस्टी मसाला बनता है, ये इसमें डाल के और आप सब मिला के छोड़ दें। जब ये ठंडा हो जाए तो एयर टाइट कंटेनर में बंद करें और उसको रख दें। ये आपका परफेक्ट स्नैक्स है, चाहे आप इसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जब आपको भूख लगती है तब खाएं, या शाम को ऑफिस के बाद जब 5, 5:30 बजे भूख लगती है तब खाएं। इसको आप अपने टिफ़िन में रख सकते हैं और जब मन आया तब खा सकते हैं, बहुत हेल्दी रहेगा। तीसरा मैंने बनाया है हाई प्रोटीन मिक्स नट्स एंड सीड्स का पाउडर। ये भी काफ़ी हेल्दी है क्योंकि इसमें जो नट्स एंड सीड्स हैं और साथ में ग्रेटेड कोकोनट है, ये सारी चीज़ें आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देती हैं। इसमें फाइबर काफ़ी मात्रा में होता है और जिस तरीके से इनको बनाया गया है उससे इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। तो मैंने इन सब चीज़ों को 1 छोटा चम्मच घी लेके गरम करके और मंदी आंच पर इनको हल्का ब्राउन होने तक भून दिया है। पहले बादाम डाले हैं और बाकी सीड्स हम बाद में डालेंगे क्योंकि बाकी सीड बहुत कम आँच में पक जाते हैं। तो हल्का सा ब्राउन जब हो जाएगा, लास्ट में इसमें ग्रेटेड कोकोनट डालेंगे और गैस को बंद कर देंगे। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। इसमें हमने मीठा करने के लिए मिश्री मिलाई है, वो कितनी आप मिलाना चाहते हैं इट डिपेंड्स अपॉन यू, कि आप ज़्यादा मीठा चाहिए तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कम चाहिए कम डाल सकते हैं। और बस जब ये ठंडा हो जाए तो इसे थोड़े थोड़े बैचेज में लेके और पीस के रखें। ये पाउडर फॉर्म में ही रहेगा क्योंकि इसके अंदर घी या कुछ ऐसी चीज़ ज़्यादा नहीं है, तो लड्डू नहीं बनेंगे इसके। आप इसको अपने टिफ़िन में रखें और जब आपको भूख लगे, चाय के साथ या बिना चाय के, आप 1 चम्मच खाएं। ये 1 ही चम्मच आपको काफ़ी देर तक फिल रखेगा। आप इसको रात को सोते टाइम भी ले सकते हैं गरम दूध के साथ, वहाँ भी आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, इससे नींद भी अच्छी आती है। तो इसको बनाने के बाद एयर टाइट बॉटल में भर के रख लें, जब ज़रूरत हो जितना ज़रूरत हो उतना निकाला और आपने खा लिया। चलिए अब एक और बनाते हैं जिसमें हमने सिर्फ 3 चीज़ें यूज़ की हैं, उनसे हम चिक्की बनाएंगे। ये भी उनके लिए बहुत अच्छी है जो वेट लूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें ना तो हमने चीनी यूज़ की है ना तो हमने इसमें घी यूज़ किया है,
ओट्स से बनाई है ये, ओट्स के साथ थोड़ा सा नारियल लिया है, पीनट बटर, और मीठा करने के लिए इसमें हमने खजूर लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हेल्दी हैं और ये काफ़ी फिलिंग होती हैं। खजूर तो वैसे भी कोई फास्ट वगैरह करें तब खाते हैं। तो इसको हमने ग्राइंडर से में पीस लिया सब चीज़ों को, और फिर ऐसे एक ट्रे में ग्रीस करके उसमें जमा दिया, थोड़ी देर के बाद कट कर लिया, तो ये आपकी चिक्की बन के तैयार हो गई। अब बनाते हैं ओमेगा 3 रिच चना लड्डू। चना बहुत हाई प्रोटीन फूड होता है, और इसके साथ साथ हमने ग्राउंड नट, आलमंड्स, सेसमे सीड्स और कुछ और सीड्स भी लिए हैं। तो जितने भी सीड्स हैं, नट्स हैं, ये सारे के सारे, जैसे फ्लैक्स सीड है, तो ये ओमेगा 3 रिच होते हैं, प्रोटीन और फाइबर इनमें काफ़ी मात्रा में होता है। जितने भी सीड्स हमने लिए हैं उनको एक एक करके स्लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे, और ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, हल्का सा रोस्ट करना है। जब सब रोस्ट हो जाएंगे तो उनका पीस के हम पाउडर बना लेंगे। यहाँ पर तेल आप काला सफ़ेद कोई भी ले सकते हैं, मैंने तो दोनों मिला के लिया है। फ्लैक्स सीड एक सुपर फूड है जो सब जानते हैं कि वेट लूज़ करने के लिए खाया जाए तो बहुत फ़ायदा करता है। चना हमने भुना हुआ लिया है, छिलके के साथ है, तो ये भी इसमें फाइबर, आयरन और प्रोटीन काफ़ी मात्रा में है। अब एक भारी पैंदे के बर्तन में उसको हम गीला करेंगे और उसमें गुड़ डाल के उसको पिघला लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। जब गुड़ पिघल जाएगा तो उसमें पीनट बटर डालेंगे। पीनट बटर आपकी चॉइस है, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि इससे टेस्ट तो बढ़ेगा ही, अदरवाइज़ नहीं डालना चाहें तो भी कोई बात नहीं। बस इसको अच्छे से मिला दें, और जब ये हल्का सा गर्म है तभी इसके लड्डू बना दें, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बनने मुश्किल होंगे। और एक लड्डू आप खाएँ और देखें कितना टेस्ट भी आएगा और कितना फिलिंग भी होगा। आप इसको सुबह वाले नाश्ते के बाद जो आपको कुछ खाने का मन करता है तो वहाँ खा सकते हैं, या शाम को खा सकते हैं। अब हम बनाएंगे सैंडविच। ये भी हाई प्रोटीन है, क्योंकि इसमें हमने स्प्राउट्स यूज़ किए हैं। इसमें आप अपनी चॉइस की वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ सिर्फ टमाटर लिया है, आप गाजर ले सकते हैं, कैप्सिकम ले सकते हैं, कॉर्न ले सकते हैं, चीज़ भी लिया है। तो ये एक हाई प्रोटीन आपका सैंडविच बनेगा। दो ब्रेड स्लाइस के बीच में सारी चीज़ें रख के आप इसको बना लें, और जो आपकी स्प्राउटेड दाल है उसका एक पेस्ट बना के ग्राइंड करके उसको इस तरीके से सैंडविच के चारों तरफ लगा दें और मंदी आंच पर सेक लें। कोई इसमें फैट यूज़ नहीं हुआ है, हल्का सा बस तवा ग्रीस किया हुआ है। कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रिफाइंड हो या जो नुकसान करे, है ना, कितना हेल्दी ब्रेकफास्ट। आई होप ये सब आपको पसंद आएंगे। आप इनको बना के ट्राई करके ज़रूर देखेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।